ये पूछा गया था कि बाज़ लोग अपने मुंह से म्यूज़िक के मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ निकाल सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे वाकई मुख्तलिफ किस्म के म्यूज़िक बज रहे हों, तो इसका मुंह से इस तरह बजाना क्या हुक्म शरा रखता है। देखें, जैसे कि आपको मालूम है कि म्यूज़िक के बाब में, मौसीकी के बाब में उलमा का इख्तिलाफ़ है, जो बाज़ लोग इसको मुतलकन जायज़ समझते हैं मौसीकी को, और बाज़ ऐसे हैं जो कहते हैं किसी पाकिज़ा कलाम के साथ मौसीकी हो जैसे कव्वाली तो सही है वरना गलत होगा, और बाज़ मुतलकन मना करते हैं। अब जो शख्स इस तरह मुंह से ये आवाज़ निकाल रहा है वो किसको फॉलो करता है ये ज़रूर देखना होगा, और जो सुन रहा है वो कौन से मुफ्तियाने किराम की पैरवी कर रहा है। चुनाचे अगर कोई म्यूज़िक को जायज़ कहता है उसके पास अपने शरई दलाइल हैं उसकी रोशनी में, तो बिल्कुल उसके शख्स के लिए शरण जायज़ है। और फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई पाकिज़ा कलाम चल रहा है उसके साथ उसने मुंह से इस तरह बजाना शुरू किया, तो जो इसको मौसी इसके साथ जायज़ कहते हैं उनको, अगर उनको मानने वाला है तब भी ये सही रहेगा। लेकिन जो मना करते हैं, बिल्कुल मुतलकन मना करते हैं कि उनके नज़दीक भी बाज़ सूरतों में जवाज़ी सूरत निकल सकती है, लेकिन जब आवाम को किसी चीज़ की कुछ शराइत के साथ इजाज़त देते हैं तो फिर अक्सर आवाम उन शराइत के लिहाज नहीं कर पाती और फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो जाती है। अगर इसका ताल्लुक उन मुफ्तियाने किराम से है तो फिर इसको चाहिए कि ऐसा ना करें, और सुनने वाले भी इसी तरह तीन अकसाम में मुनकसिम होंगे और उन्हें इसी के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। खुलासे कलाम ये है कि इस तरह मुँह से म्यूज़िक बजाना ये मतलब वैसे भी शुरफा जो एक आम शरीफ तबका होता है वो उसको लाइक नहीं करता है, लेकिन उनमें भी अगर कोई वही जैसे मैंने आपको किस्में बताई हैं तो फिर उस उनके लिए गुंजाइश निकल सकती है। और अपने उन फतावा को फॉलो करते हुए बाकी जो मना करते हैं उनको फॉलो करने वालों को सबको इज्तिनाब करना चाहिए।